Daily Gamer. तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सनी और लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और वीडियो गॉब्लिन मैप से रिलेटेड। तो आज हम लोग बीट करने वाले हैं मैजिक प्रैक्टिस को। इसे मैंने पहले भी बीट कर दिया है 3 स्टार, बट वो वीडियो मेरे से डिलीट हो गया, तो फिर से रिकॉर्ड करके फिर से अपलोड करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, फिर से कर लेते। तो देख लो, गॉब्लिन लोग डर के मारे भाग गए क्योंकि ये जानते हैं कि मैं इन्हें 3 स्टार कर दूंगा। तो ये जो स्पेशल ट्रैप है ये बस इसी बेस में है, जो कि ये श्रिंक ट्रैप। उसे सबसे पहले बारबेरियन से हम करेंगे। देखना श्रिंक ट्रैप किस तरह से काम करता है। देखो बारबेरियन हो गए छोटे, तो पिका वगैरह अगर अभी यूज़ आप कर दोगे तो सारे के सारे पिका हो जाएंगे छोटे और कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर भी है, जहाँ जहाँ मैं बारबेरियन गिरा रहा हूँ वहाँ वहाँ पर आप गिरा देना और कर देना सारे के सारे ट्रैप्स को डिसेबल डिसआर्म। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देख लो स्केलेटन ट्रैप्स ढेर सारे निकल गए हैं, तो उन्हें भी मारने के लिए चाहिए हमें वेलकेरी, क्योंकि अगर सिर्फ पेका डालेंगे यहाँ पे तो पेका रह जाएगी बिजी इन स्केलेटन्स पे और हमारा अटैक हो जाएगा फेल। तो वेट कर रहे थे हम लोग इस श्रिंक ट्रैप को ख़त्म होने का, वो ख़त्म हो चुका है। तो अब वॉल ब्रेकर यूज़ करेंगे, तो 6 वॉल ब्रेकर से काम हो जाएगा। 10 सेफ्टी के लिए लाया हूँ, बट आप 6 आप ले जाना जितना आपका आर्मी कैंप बैठता है। तो देखो यहाँ से बिल्कुल 3 छोड़ना है और ये वॉल को कर देंगे ओपन, और इधर से भी 3 ही छोड़ना है, ये भी वॉल को कर देंगे ओपन। तो हो गया हमारा वॉल दोनों तरफ से ओपन। तो अगर आप चाहो तो आप दोनों तरफ से अटैक स्टार्ट कर सकते हो, बट मैं एक तरफ से पहले स्टार्ट करूंगा ताकि सारे के सारे स्केलेटन ट्रैप्स एक ही तरफ आ जाए। तो 2 पेका को छोड़ना है उंगलियों से यहाँ यहाँ पर, और 1 वेलकरी छोड़ देना ताकि वो मार दे स्केलेटन ट्रैप्स को, मतलब स्केलीज को बेसिकली। तो इधर से पेका स्टार्ट हो गया, और विजर्ड तो छोड़ने की उतनी कोई ज़रूरत नहीं है, और 1 वेलकरी और छोड़ देते हैं। तो इस बेस में हम लोगों ने पेका क्यों यूज़ किया, तो पेका इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो हैं विजर्ड टावर है, जो कि स्प्लैश डैमेज वाले हैं, और वो हमारी पेका का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो देख लो 4 ही पेका यूज़ किया है हमने, और वेलकरी भी यूज़ किया 2, और इसी में शायद हो जाना चाहिए। नहीं हो पाएगा तो 1 पेका इधर से और डाल देते हैं, और वेलकरी की और कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको ज़रूरत पड़ सकती है अगर आपकी वेलकेरी लेवल 1 की है और आप टाउन हॉल लेवल 8 में, और पेका भी आपका लेवल 3 से नीचे है। बट मेरी वेलकेरी तो देख लो आप लेवल 1 की थी, बट फिर भी मैंने वेलकेरी कम से कम छोड़ करके इस बेस को 3 स्टार कर दिया है। देख लो जितने भी ट्रूप्स मैंने यूज़ किए इसमें आपको ना CC ट्रूप लगेंगे, ना ही हीरोज लगेंगे, ना ही कोई भी स्पेल। तो देख लो इतना ही आप यूज़ करके इसे 3 स्टार कर सकते हो, बिल्कुल ही ईजी बेस है। देखने में थोड़ा सा हार्ड लगता है बट एकदम आसान है। देख लो सारे के सारे पिकास हमारे जिंदा हैं अभी भी, जितना छोड़ा था उतना ही। देख लो कितने स्प्रिंग ट्रैप्स थे, अगर कोई दूसरा ट्रूप यूज़ करता तो वो ज़रूर उड़ जाते। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो मेरी ही तरह 3 स्टार बिल्कुल ही एफिशिएंटली टाउन लेवल 8 को भी यूज़ करके। तो यही था हमारा आज का वीडियो, हाउ टू बीट दैट गॉब्लिन मैप विच इज़ मैजिक प्रैक्टिस। तो इसी तरह के और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग, गुड बाय।